अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो जी आज की वीडियो भी एक फरमाइशी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डिश के राड आप खुद किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपकी डिश के राड टूट जाएं और आपको इनकी पैमाइश का पता ना हो तो फिर आप न्यू राड किस तरह से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपकी डिश के राड छोटे बड़े हो गए हैं तो वो भी आप किस तरह से खुद मालूम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो राड होते हैं तो ये बहुत अहम होते हैं सिग्नल के हिसाब से। अगर ये राड आपके छोटे बड़े हो गए तो सिग्नल पर लाजमी फ़र्क पड़ता है। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप खुद किस तरह से राड बना सकते हैं और पैमाइश भी खुद किस तरह से इनकी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप किस तरह से फिर चेक कर सकते हैं कि आपकी डिश के राड ठीक हैं या उनमें कोई फ़र्क है। उसका तो तरीका इस तरह से है, आप ये देखें कि अगर आपकी LNB बाहर निकलती है या फिर अंदर की तरफ जाती है और सिग्नल आपके ख़त्म हो जाते हैं और 38 या 40 नंबर पे आपके सिग्नल फुल आते हैं तो इसका मतलब है कि आपके राड बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, बाहर जाती है सिग्नल ख़त्म और सारी LNB अगर जा रही अंदर जा रही है और सिग्नल आपके ख़त्म हो रहे हैं और 38 या 40 नंबर पे आपको फुल सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके डिश के राड बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, तो अगर आपकी LNB बाहर निकल रही है इतनी, ये देखें, ठीक है, और फिर भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके राड छोटे हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, अगर LNB बाहर निकल रही है और फिर भी आपको सिग्नल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके राड छोटे हैं। ठीक है, और अगर आपकी LNB फुल नीचे जा रही है और आपको फिर भी सिग्नल मिल रहा है इसका, तो इसका मतलब है कि आपके राड बड़े हैं और आपको छोटा करना पड़ेगा। तो राड की लंबाई के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये जो डी है तो ये डिश की लंबाई है और ये जो डी है तो ये डिश की गहराई है। तो ये दो चीज़ें हम डिश की मालूम करते हैं, फार्मूले में लगाते हैं, और ये जो एफ़ है तो ये फोकल पॉइंट है। ठीक है, फोकल पॉइंट LNB का फासला। तो डिश की लंबाई के लिए आप इस तरह से इसको माप लें, ठीक है, तो इस तरह से भी आप माप सकते हैं या फिर इसको इस तरह मतलब लिटा दें, ठीक है, इस तरह से। तो ये डिश मेरी पूरी 4 फिट की 48 इंच की है, ठीक है, और डिश की गहराई के लिए आप इस तरह से रख लें और फिर डिश के सेंटर में फुटा वगैरह रख लें तो और देख लें कि कहाँ पे टच हो रहा है। तो ये 7 इंच, तो इस डिश की गहराई 7 इंच है। तो अभी तो हम फार्मूले में पुट करने लगे हैं, डी ए मतलब डिश के जो क्या कहें डायामीटर है, इसकी लंबाई है, ठीक है, ये 48 है, ज़र्ब 48, ठीक है, जो आपकी लंबाई आए उसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं ये 16, ये फार्मूले में है, और मल्टीप्लाई फिर ये जो डी ये डेप्थ है ये हमारी आई 7 इंच, ठीक हो गया। तो फिर हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, 48 मल्टीप्लाई 48 ये हमारे पास आ रहा है 23,04, ठीक है, 23,04 तकसीम। अब आगे हमने ये करना है, ये देखें 16,07, 16,07 ये बन रहा है 112, 112 ठीक हो गया। अब इसको हम करने लगे हैं 23,04 को, 23,04 ये आ गया डिवाइडेड बाई 112, ठीक है, तो ये देखें ये आ गया 20 इंच 20 20, तो ये क्या है, ये एफ है, ये मतलब फोकल पॉइंट है, ये क्या है, ये डिश का मतलब जो आप कह लें कि सेंटर से LNB तक जो फासला है, तो ये मेरे डिश का 20 इंच है,
और अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे टिका हुआ है और ये देखें जी, पूरा 20 इंच पे हमारी ये प्लेट लगी हुई है। 20 इंच पे, ये देखें 20 इंच पे हमारी प्लेट लगी हुई है, मतलब हमारा फोकल पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, तो ये फिर सेंटर से LMB का फासला हमें बताता है। बाकी ये राड आपको पता है कि किसी डिश के यहाँ पे लगे होते हैं बाहर की तरफ और किसी के यहाँ लगे होते हैं अंदर की तरफ, तो वो फिर आपकी मर्जी है जितने आप कटवा लें, ठीक है। मेन चीज़ यही है कि आपकी प्लेट और सेंटर का फासला फार्मूले के मुताबिक होना चाहिए, तो फिर आप अपने डिश से मुकम्मल रिजल्ट, मैक्सिमम सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।